Mr. Charan Gill is a Punjabi Wikipedian from Punjab, and he was telling me this very interesting story of how he uses technology to translate languages like Farsi and Urdu, which he had lost contact with. Mr. Gill, batayega jara. Aise hai, maine Urdu bahut कम जानता था मैं कम जानता था मतलब है बहुत फ्लुएंटली मैं उसे नहीं पढ़ सकता था, लेकिन इंटरनेट आने से ये हुआ मेरा उससे डेली कॉन्टैक्ट बन गया। डेली कॉन्टैक्ट बनने से मैं उसे फ्लुएंटली पढ़ने लग पड़ा। और दूसरी, इंटरनेट पर जो टूल्स डेवलप हुए हैं जो कन्वर्शन के लैंग्वेज को, कौन सा टूल? ट्रांसलेशन टूल्स। पंजाबी यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड सम टूल्स। हाँ, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने एक टूल डेवलप किया, उस में उर्दू को पंजाबी में उसको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है। हिंदी में भी करता है उर्दू को, और उर्दू को पंजाबी में ट्रांसलेट करने का प्रोविजन अच्छा, है अच्छा। पर लेकिन उसको उसकी ट्रांसलेशन में बहुत सी गलती होती है अच्छा। लेकिन वो उर्दू के बाद से कंपेयर करना पड़ता है उसको, और कंपेयर करने से उसे हाफ टाइम में वो अच्छा ट्रांसलेशन हो जाता है। और उस हाँ उसमें एक और भी फायदेमंद एक गल और भी है, जो सिंटैक्स है वो उर्दू हिंदी पंजाबी जो इंडियन लैंग्वेज है ना हाँ। इनके सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, तो इसलिए ये और भी आसान हो जाता है। और फारसी से ट्रांसलेशन में फारसी तो आनी चाहिए ही, और फारसी का जो इवन गूगल ट्रांसलेट ही है उससे उसकी बहुत सी क्लैरिटी बहुत सा मिल जाता है, बहुत सारा वोकैबुलरी मिल जाती है। और इसके बाद फारसी से कंपेयर करते हैं तो और बेटर उसको ट्रांसलेशन को बेटर बनाया जा सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव दिस बाइलिंगुअल इंटरव्यू, सो कैरी ऑन इन हिंदी। बट माय क्वेश्चन इज, मिस्टर सिंह, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन these languages, these major languages, Punjabi, Hindi, Urdu and Persian, Hindi में? जो Persian language है वो पंजाब में official language रही बहुत बड़ी देर में, और अभी तक भी पंजाब में जो कचहरी है, courts हैं अच्छा, courts में वो बहुत से Persian word जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं अच्छा। और पंजाबी लैंग्वेज में तो Persian के शब्दावली जो है ना, जो शब्दावली इन्फ्लुएंस, उसकी जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी हाँ, जो मतलब अरेबिक से पर्शियन में गई, अरेबिक वोकैबुलरी है बेसिकली मोस्ट ऑफ दैट। वो जो वोकैबुलरी है पहले तो अरेबिक से पर्शियन के थ्रू आई, कुछ डायरेक्ट आई, वो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ही उसका नेड़ला लिंक है फारसी का। और दूसरा यह जो पंजाब का सिख धर्म है ना, उसमें मतलब गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा गुरु नानक देव जी का भी एक शब्द है अष्टपदी, जो फारसी में है अच्छा, वो लिखा गुरमुखी में है अच्छा, लेकिन वो फारसी का एक मतलब कौन सा स्क्रिप्ट, गुरु ग्रंथ साहब जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट, हाँ गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है लेकिन है फारसी अच्छा। और दूसरा ये है कि मतलब गुरु गोविंद सिंह के जो साथ थे उसके पोइट्स उसके पास साथ थे जो अच्छा। उनमें एक नंदलाल गोया हुआ है, उसने तो गज़ल लिखी है इतनी उच्च पाए की फारसी में, वो जो ईरान का था ना जो हाफिज सिराजी, उसके भी मुकाबले की उसकी गज़ल है, उसने जो मतलब पोइट्री की है वो फारसी में है। और भी फारसी में बहुत कुछ जो पंजाब की हिस्ट्री के बारे में और इवन सिख हिस्ट्री के बारे में बहुत से सोर्सेज हैं जो पर्शियन में हैं मिलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी एक उसका सारनामा लिखा हुआ है उसके बारे में, वो भी फारसी में है अच्छा। तो इसलिए फारसी से पंजाब का बहुत पुराना लिंक है। और उर्दू तो दूसरी बात है, उर्दू तो 200 साल दिल्ली आने से पहले लाहौर और मुल्तान में पंजाब हाँ इंटरेक्शन हुआ पर्शियन का और जो अरेबिक वोकैबुलरी और पर्शियन का वो लिंक जो बहुत मिक्सिंग हुई उसके पंजाबी लैंग्वेज के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ वो 200 साल हुआ। 200 साल बाद मतलब जो है वो उर्दू दिल्ली के पास पहुंचा, फिर उसमें कुछ जो है ना कुछ फीचर जो है ना
वो जो दिल्ली के अराउंड जो भाषाएं हैं उनके बीच ऐड हुए तो उर्दू बन गया जो खड़ी बोली के साथ। अच्छा। वैसे वो पंजाब की लैंग्वेज है, उसमें सबसे बड़ा बड़ा प्रभाव जो है ना बनने में वो पंजाबी के साथ इंटरेक्शन में उर्दू बनना वहाँ मिक्स हुई सबसे पहले, उसकी वोकैबुलरी जो पर्शियन की थी, दो वर्ड जो प्रचलित हुए, एक फारसी का और एक पंजाबी का। अच्छा। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल रेड कलर, लाल रंग दे लिए, लाल लाल लफ्ज है रेड कलर के लिए पंजाबी में, तो वो कह रहे लाल सुर्ख, सुर्ख पर्शियन है। अच्छा। लाल पंजाबी है। अच्छा। दोनों को इकट्ठे बोलना चाहिए। अच्छा। दोनों लैंग्वेज दोनों को इकट्ठे जोड़ के इस तरह जुट शुरू हो गए, एक लफ्ज इधर ला। अच्छा। उसके साथ ही जोड़ देना दूसरा पर्शियन। अच्छा। पंजाबी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो जो मतलब सा काला श्या पर्शियन है, काला जो है ना श्या काला मतलब ब्लैक कलर, ब्लैक कलर दोनों का ब्लैक मतलब है, श्या फारसी का है और काला जो है वो पंजाबी का है। अच्छा। इस तरह के बहुत से लफ्ज पर चलते हैं, इसलिए उर्दू के तो पंजाबी में लिखने वाले बहुत बड़े राइटर हुए हैं जो पंजाब के थे, वो उन्होंने उर्दू में लिखा है। अच्छा। उनमें से मतलब जो रजिंदर सिंह बेदी है, फैज अहमद फैज है, फैज अहमद फैज, हाँ उनके वो बहुत से लेखक हैं और हजारों में हैं। अच्छा। जो पंजाब के लेखक हैं उन्होंने उर्दू में लिखा है। इंटरेस्टिंग। हाँ बहुत ही ज़्यादा लेखक हैं, पंजाब की ही लैंग्वेज मैं तो इसको उर्दू को समझता हूँ। सो आपका पॉइंट है दैट टेक्नोलॉजी विल हेल्प द लैंग्वेजेस टू बी ट्रांसलेटेड टू इंटरैक्ट मोर इन द इन कंट्रीज लाइक इंडिया विच आर मल्टीलिंगुअल, आपका वो पॉइंट यू? इट इज़ वेरी इजी नाउ, इट इज़ वेरी मतलब हेल्पफुल नाउ। हाँ ये आप बहुत ज़्यादा हेल्प सहायता कर रही है इस बात में, पहले इतना आसान नहीं था। आप जहाँ वहाँ प्रॉब्लम आती है ना जिस जगह पर, वहाँ पर ऑनलाइन एक मिनट में चेक कर सकते हैं, वर्ड की उसकी मीनिंग चेक कर सकते हैं, उसकी मतलब क्लैरिटी कर सकते हैं आप, वेदर इट्स ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेट इज राइट और रॉन्ग मीनिंग मिलेगा। हाँ मीनिंग का अब उसमें जो उसमें डालते हैं ना गूगल में, तो विक्शनरी का प्रोजेक्ट है जो मतलब इसका विकिमीडियन का है, उसमें एंट्री पड़ी हुई है, जहाँ पर तुम उर्दू का लफ्ज पाओगे तो वो फारसी विक्शन के उसकी रूट भी बता देगा, फारसी का रूट है। अच्छा। ना अरबी का रूट है, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन एंड द विक्शनरी फॉर वन वर्ड इट विल गिव यू इट मीनिंग इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस, नॉट जस्ट वन टू वन, इट डजंट हैव टू बी वन लैंग्वेज टू वन, इट एक्सप्लेन्स द होल ऑल द सारे मीनिंग जो होते हैं ना, डिफरेंट मीनिंग जो हो सकते हैं वो उससे मतलब पता चल जाते हैं, और इसलिए अब बहुत आसान, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप इंटरनेट की से के साथ। और भी एक बात है, जो दूसरी लैंग्वेज भी करते हैं ना हम उनके अनुवाद भी, जो मैं रशियन है उसका अनुवाद उर्दू में मिल जाएगा, उसका अनुवाद पर्शियन में मिल जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट विदाउट गोइंग थ्रू इंटरमीडिएट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, ना उनका मिल जाएगा वहाँ पर, और आप चेक कर सकते हैं, अब उसका गूगल ट्रांसलेट से करो ओरिजिनल दा रशियन दा, तो फिर इन्ना बोलियां वाले चेक करो तो कंपैरिजन करोगे तो आप ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाओगे जो मतलब राइटर कहना चाहता है उसके, इस तरीके से। यू आर टेलिंग मी अबाउट समथिंग इन जर्मन व्हिच यू ट्रांसलेटेड इनटू पंजाबी, वो क्या है? काफ्का। हाँ काफ्का को वो जर्मन है, मुझे जर्मन आती नहीं, लेकिन वो मैंने और लैंग्वेज में देखा, एक जगह तो ऐसा हुआ कि मुझे मतलब उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, कोई लाइन थी तो मैंने उसका अरेबिक में ट्रांसलेशन मिला मुझे, उसको मैं गूगल से ट्रांसलेट किया तो मुझे पता चल गया कि अरेबिक वाले जो ट्रांसलेटर है उसने उस लाइन को क्या समझा है। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच सर। योर कॉन्टैक्ट ऑन विकिपीडिया, यू आर व्हाट योर यूजर नेम? चरण गिल, CHRAN GIL 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 CHRAN GIL space space all the best, thank you so much।